क्या बोलती YouTube की पब्लिक, वेलकम बैक गाइज टू पोकेमॉन इंसर्जेंस। दिस इज योर फ्रेंड नूबी और वी आर बैक टू टेलनोर केव। और ये मैंने ऑफ स्क्रीन एक नया मेंबर पकड़ा है, एक्चुअली दो नए मेंबर पकड़े जिसमें से एक को मैं यूज नहीं करूँगा। दिस बग टाइप इज फॉर ट्रेड, हाहा, नो स्पॉयलर्स। दिस बॉय इज जस्ट फॉर फन राइट हियर। दिस बॉय, एक्चुअली दिस गर्ल इज द वन दैट आई कॉट ऑफ स्क्रीन। दिस इज माय न्यू टीम मेंबर गाइस, इट्स कॉल्ड, एक्चुअली आई निकनेम्ड हर सुमित्रा बिकॉज आई हैड अ डॉग वंस एंड उसका निकनेम भी गाइस सुमित्रा था और वो बहुत क्यूट थी सेम इसकी तरह, तो आई हैड द सेम अटैचमेंट टू हर, इसलिए इसको निकनेम मैंने खुद से दिया है सुमित्रा। बट स्टिल मैंने अपने डेल्टा स्कोटल को निकनेम नहीं दिया है, वो सब आप बताओगे मुझे सजेशंस में, कमेंट्स में, राइट। तो चलिए अब हम टेलनोर केव में हैं। अब हमारे पास एटलीस्ट फाइटिंग टाइप्स के लिए एक यू नो रेजिस्टेंस है, तो लेट्स गो। इसको मैंने लेवल आई गेस 3 or 4 पे पकड़ा था, आई गेस लेवल 4 पे, और मैंने इसको ट्रेन कराया थोड़ा सा ताकि एटलीस्ट फाइटिंग के लिए थोड़ा सा तैयार रहे, और वाइल्ड पोकेमोन से थोड़ा सा लड़वाया इसको। और लास्ट पार्ट में मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था मेरे दोस्तों कि जो ये ईवीज और आईवीज होते हैं, ये पहले आईवीज पे आते हैं। जैसे देखिए आप लास्ट वाले पोकेमोन से ये बहुत अच्छे आईवीज हैं इसके, ये दूसरे ही चांस में मुझे मिल गया है। इसकी एबिलिटी भी पॉइजन पॉइंट है जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है मतलब। और आईवीज के बारे में मैं आपको और ईवीज के बारे में आपको एक बात बताना भूल गया हूँ मैं लास्ट पार्ट में, कि इस गेम में आप आईवीज और ईवीज देख सकते हैं गाइज, बट किसी भी निंटेंडो की ऑफिशियल गेम में आप नहीं देख सकते। ये सिर्फ इस गेम का फीचर है क्योंकि एक फैन मेड गेम है, तो इसके क्रिएटर्स ने सोचा होगा कि दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर, और इसी वजह से आप इस गेम में ईवीज और आईवीज अपने देख सकते हैं। निंटेंडो की भी कुछ गेम्स में देख सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको चीट का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए चलते हैं टेलनोर गेम में, आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइट दिस गाय। यू वॉन्ट टू बैटल मी? Are you trying to humiliate yourself? No, boy. I will humiliate you. Not myself. And ये अपने lazy ass matchup के साथ हम पे attack करने लगा है. Let's use double kick. Let's see how much. Oh, That's a very decent amount of damage, right? और एक और double kick में it will do the trick. Yeah, right. There goes the matchup. Or ab Geodude, ha bhai, Geodude ka to weakness hai. Aaja mere bhai, chal mere bhai. Aur isne apni speed badha li hai, aur mere I guess defenses, ha mere defenses kam hai, to let's, no it won't be a problem. Geodude is going down. Aur isi ke sath हमने हरा दिया है इस डूड को, और सुमित्रा को 149 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं जिसके साथ वो लेवल 11 पे चली जाएगी। दैट्स वेरी गुड गाइस, दैट्स वेरी गुड। नूबी डिफीटेड रूइन मेनिया गारन। वेल आई गेस इट वाज आई हु वाज ह्यूमिलिएटेड। डेफिनेटली यू आर ह्यूमिलिएटेड ब्रो, डेफिनेटली। Let's move on. Oh, okay. Level 9 Onyx. Okay. तो इस गेम में हम काफी अच्छे से ट्रेन अप हो सकते हैं। Level 9 Onyx. हम्म. So let's fight it. क्योंकि मेरे पास potions तो हैं ही. Oh, not the Harden. Onyx के defenses guys already out of the world होते हैं, और उसके ऊपर से इसने Harden use किया है. और इसके रॉक थ्रो ने मेरे पे क्रिटिकल हिट मारा है भाई। जब हम अटैक करते हैं तब क्रिटिकल हिट कहाँ जाता है? हमें क्यों नहीं मिलता क्रिटिकल हिट?
फाइनली दैट्स गुड दैट्स अ वेरी गुड चंक ऑफ एक्सपीरियंस देयर ओके रोगन रोलर और मैंने इस गेम में कुछ चीट का इस्तेमाल किया है मैं आपको बता दूं गाइस जिससे कि मुझे काफ़ी सारे रेयर कैंडीज मिले जिनको मैंने बेचा और खूब सारे पैसे कमाए तो इट वाज फॉर द मनी गंदा है पर धंधा है मुझे गेम में तभी मज़ा आता है यार खासकर ऐसे आरपीजी गेम्स में जिसमें मतलब हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास खूब सारा पैसा हो यार अपनी हसरतें पूरी करते हैं भाई गेम्स के थ्रू क्या करें गरीब लोग हैं अरे भाई कोई तो एक बारी में मरो अरे इससे लड़ने की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 70 एक्सपी पॉइंट्स क्या है व्हाट इज दिस ये देखिए गाइस मैंने ऑलमोस्ट 500-600 रेयर कैंडीज वो करे थे और बाकी सारे मैंने बेच दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेयर कैंडीज मैं अभी नहीं यूज़ करने वाला हूँ गाइस क्योंकि अभी लेवल अप करना बहुत इजी है बाद में ये चीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है जब 50s प्लस चला जाएगा तो तब मैं ये रेयर कैंडीज डेफिनेटली यूज़ करूँगा अरे जाना भाई नहीं लड़ना है इधर से नहीं लड़ना है ओके तो थोड़ा सा एक्शन गाइस स्कोल को भी देते हैं लेट्स सी ये हाइकर डूड है तो इसके पास शायद कोई aren't you a little bit young to be traveling with pokemon नहीं भाई मेरी ये 10 साल है इस गेम के हिसाब से 10 साल की एज में ओह नो एक और फाइटिंग टाइप What the hell, man? Let's try. Okay, let's try Tail Whip. Oh no. ठीक है. अरे ये इसको तो मारना बहुत इजी है. इसके पास तो कोई फाइटिंग टाइप मूव ही नहीं है. चल जा. Tail Whip की भी जरूरत नहीं थी इसके लिए तो. Rock and roll, हाँ. We take care of this. Bite again. Guys, जब ये 3 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम गेम खेला था तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन था और वो था एक डेल्टा चारमैंडर यार राइट और यू नो मैं पहली बार कोई फैन मेड गेम खेल रहा था तो आई वॉज लाइक कि यार मेरी एक पॉलिसी होती थी जो बहुत बुलशिट सी है कि फर्स्ट जिम तक एक ही पोकेमॉन ट्रेन कर रहे हैं मुझे मज़ा आता था थोड़ा सा थिंग्स स्पाइस अप होती थी इससे बट इस गेम में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है अगर आप एक ही पोकेमॉन को ट्रेन करते हैं और हाँ तो जैसा कि मैं कह रहा था अगर आप एक ही पोकेमॉन को ट्रेन करते हैं तो चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं जैसा कि अभी लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक माचॉप से हम बहुत बुरी तरह से हारे थे मेरा डेल्टा स्क्वर्टल बहुत बुरी तरह से हारा था एक माचॉप से तो चीज़ें देती हैं दिक्कत इसलिए इस गेम में आपको लेवल अप करना इजीली यू नो अलाउ किया गया है ताकि आप अलग अलग तरह की टीम्स अपनी एक्सपेरिमेंट कर सकें और मज़े ले सकें यार सीरियसली जब मज़ा ही नहीं आया तो फ़ायदा क्या और आप लोग बोर हो रहे होंगे मुझे पता है ये सारी बेकार की बैटल्स है बट ये लास्ट है इसके बाद मैं नहीं करूँगा नो प्रॉब्लम मेरे पास शायद रिपेल भी नहीं है या है लेट्स सी है मेरे पास रिपेल तो व्हाई नॉट यूज इट यार कम ऑन तो अब आप लोग बोर भी नहीं होंगे ओ ये आइटम भूल गया यार मैं यहाँ पे इट्स अ पोकेबॉल जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी चलो कोई नहीं अब तो रिपेल है हमारे पास जस्ट फ्यू सेकेंड्स गाइज और हम पहुंच गए उसी जगह पर
आई डोंट नो ये गेम की स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है, मतलब बहुत फास्ट मोशन में चल रहा है सब कुछ, इसे क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? अगर किसी को आप लोगों में से पता है तो डू टेल मी इन द कमेंट्स. Toby, you're so slow. That took you forever. Anyways, I think that's the raystone that Mayor was talking about over there. Over on the far right of the cave, you can't miss it. He will not leave Telnotan alive. My agent is already in place. I assume yours too. Yes. And armed to the brink with the strongest of Pokemon. ओके तो यहाँ पर तो भाई मारने की मरने की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है ये? He will be dead? किसको मारने की बात हो रही है? ऑगर को मारने की बात हो रही है. ओके तो आई कैन गेस कि ये लोग किसी कल्ट से बिलोंग करते हैं दोनों, और ये ऑगर को मारने की बात कर रहे हैं. डूड उस बंदे को सारा टेलनोर रीजन पूछता है, अगर तुम उसी को ही मार दोगे तो तुम्हें लोग मार देंगे. He was born of lightning and fire, and he rode Xerneas as a steed. The man's been over for a year, and already the people are worshipping him. Well, we won't have to worry about him after today, will we? Let's get going. Okay, तो ऑगर के बारे में तो भाई बहुत सारी you know पता नहीं ये अफवाहें हैं या सच्चाई है कि वो Xerneas को राइड करता है. आई मीन सीरियसली लेजेंडरी पोकेमोन की सवारी करता है वो. What the hell? Newbie, we are cultists. Those were cultists. Do you hear what they were saying? They're planning to assassinate the ogre when he comes to Telnotan. I can't believe they're caught up in the middle of this. We need to help. We need to go back and warn the ogre before the assassins get to him. We have to hurry. The ogre might arrive. Quick, let's go. Okay, तो अब ये भागते हुए Telnotan वापसी आए हैं. I guess ogre को warn करने. Damien, newbie, you are late. The ogre arrived 5 minutes ago. Okay, तो ogre already आ चुका है और हमारा wait कर रहा है town hall में. Ogre हमारा wait कर रहा है. चलिए देखते हैं पोकेमोन हमारे हील्ड अप हैं कि नहीं. प्रीटी हील्ड अप हैं, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो. ओके तो यहाँ पे गेम सेव कर लेना चाहिए मुझे, लेट्स सी. हाँ हाँ नहीं चाहिए भाई, रिपेल. ओह हेलो, आई एम जॉन द सेकंड ऑगर. इट्स नाइस टू मीट यू ऑल. यू हैव अ वेरी लवली टाउन. यस यस आई नो. व्हाट माइट बी योर नेम यंग वन? Damien, and this is Novi. We are big fans, sir. We here to warn that one of the guests here want to kill you. Okay, तो यहाँ पे कौन है जो इसे मारना चाह रहा है? और सब चौकन्ने हो चुके हैं. थोड़ा सा पॉज आया है, ड्रामेटिक पॉज. That's a very serious accusation, Damien. I am so sorry about this, sir. Damien, why are you saying this? You're embarrassing us. You'll be punished for this. Actually, I won't worry about it. He'll get enough punishment here as is. And who might you be? We are cultists. And we're here to kill you. Okay, तो ये लोग थे जो भेस बदल के बैठे थे और इसको बचाने के लिए मतलब डेमियन आगे आ गया है. अपनी जान दांव पे लगा के. वाओ. ओके इन फैक्ट यू वोंट इवन गेट अ चांस टू बैटल हिम. आई विल स्टॉप यू टू राइट नाउ. कम ऑन नोबी. ओ भाई हमें क्यों घसीट रहा है सब में? ओके हैव यू बीन वाचिंग टू मेनी सुपर हीरो मूवीज? वी आर कल्टिस्ट. वी हैव स्ट्रांग पोकेमोन एंड एक्चुअल वेपनरी. तो भाई गोली मारना सबको खत्म कर फिर. फालतू की बातें कर रहा है. Now, I won't back down. This is my chance to prove myself. All right then, kid. Just don't say we didn't warn you. And it looks like you're mine.
feel the wrath of the abyssal cult. Okay, so abyssal cult ke ek grunt se hone wala hai hamara match. Let's see iske baad kya hai. Okay, ek skrull. Guys, as far as I can remember, इस स्क्रेल्प ने मेरे डेल्टा चार्मेंडर को बहुत दिक्कत दी थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमोन था और मतलब सीरियसली बहुत दिक्कत दी थी मुझे. 4 या 5 टर्न्स लगी थी जहराने में. तो अब मेरे पास एक डेल्टा स्क्वर्ल है, सो लेट्स ट्राई इट विद अ टेल व्हिप एंड ओके लेट्स सी. आहा, that's good. I guess we'll be, yeah, there he goes. That wasn't too hard at all. ये तो बहुत easy था guys. और इसी के साथ हम level 13 पे पहुँचते हुए. Squirtle is trying to learn torment. Okay, torment मुझे याद नहीं इससे क्या होता है. Let's see. Okay, तो इससे सामने वाला Pokemon जो है वो same move बार बार नहीं use कर सकता है. Let's see. We'll forget tail whip. इसकी इतनी जरूरत नहीं है हमें. Okay, अब horsey की बारी. Skrull का भाई एक तरह से, या इस केस में कहें तो बहन. Let's fight it. Bubble. Okay. Bubble again. मुझे potion use करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये जो horsey है ये मुझसे ज़्यादा fast है. Let's use a potion. There it goes. Or अब तो potion भी यार मतलब health नहीं recover करता क्या ये. Okay, newbie defeated episode cultist. Childish impudence, you are nothing. हाँ तेरे को हरा दिया भाई मैंने. मुझे कह रहा यू आर नथिंग. Take your time with him. No, you won't. Trying to kill me is one thing, but threatening innocent children? That's one strike too many. I'm sending the two of you to Helios City for your trial. Although, after all that, I don't see a bright future for you. Vinculorum Morte! Abe, ye kya scene hai bhai? ये क्या सीन है? Did you just kill them? Of course not. I've just taken them to Helios City. Okay, तो ये ऑगर जो है वो हीलियोस सिटी से है गाइस और इसने उन दोनों को अपेरेंटली वहां भेज दिया है पता नहीं कैसे. Sorry for letting you two fight my battles. But I was curious to see how you would do. Okay, तो ये हमारा टेस्ट ले रहा था. Seriously bro. Don't worry if you get If you lost, I wouldn't have let you get hurt. I'm very impressed. You two are talented and responsible. If you ever pass through Helios City, why not stop by? Definitely, bro. ये हमें अपने घर बुला रहा है भाई कि अगर कभी Helios City हम आए तो इसके घर होके जाएं. ठीक है भाई जरूर होके. For now though, I should return. I have a trial to attend to. Okay, so trial means I guess sunwai. और इन वो जो दो कल्टिस्ट थे उन दोनों को इस भाई ने हेलियोस सिटी भेज दिया है उनकी हेयरिंग के लिए. पता नहीं भाई क्या सीन है ये. और भाग गया वहां से. सही है भाई. डेमियन भाई खुश. ओके, तो जो इसकी ये अपेरेंटली मॉम है या इसके बाप की वाइफ है वो इसकी रियल मॉम नहीं है भाई. ये तो भाई बहुत डिफरेंट स्टोरी है, बहुत डिफरेंट है. ठीक है ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, पता है मैं कतई दीवाने हो रखे हैं ऑगर के सारे यहाँ पे. Oh, my friends have already arrived at midnight town where they're training at the trainer school. Hey, newbie. Why don't we race there? ना भाई मेरे को कोई रेस वेस नहीं लगाने का. ठीक है ना, आराम से आएगा अपन.
अरे अपने को कोई ट्रेनर व्रेनर स्कूल की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड और हम फटाफट से अपने पोकेमोन हील कर लेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रवाना होंगे बोले तो मिडना टाउन के लिए, और वहाँ पे पहुँच के कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो ये एपिसोड यहीं के लिए ख़त्म होता है गाइस, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। और हाँ गाइस एक और चीज़ जो मैं बताना फिर से भूल गया आप लोगों को लास्ट वीडियो की तरह सेम, कि जैसा कि मेरा चैनल भी नूब है और मैं भी नूब हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी के साथ मेरे चैनल को नूब से प्रो बना दीजिए गाइस। कम ऑन यार, आपके ही सपोर्ट से हो सकता है सब। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।